हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से काफ़ी मेरे जो व्यूअर हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ टाइम को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाओ। देखिए, टाइम जो है ये डेफिनेटली प्रॉपर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है या फिर आपका पार्टनर का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर टाइमिंग डिपेंड करती है, कुछ टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी बात नहीं है कि टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर पे डिपेंड करता है, टाइमिंग बोथ ऑफ पार्टनर पे डिपेंड करता है। तो आज मैं वही चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो होपफुली व्यूअर्स आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना ताकि और भी व्यूअर्स के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो। थोड़ा और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर बेस पर मैं वीडियोज लाती हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपके टाइमिंग को इनक्रीज करता है, क्योंकि टाइमिंग के साथ परफॉर्मेंस एक मान सकते हो कि सिक्के के दो पहलू हैं। टाइमिंग और परफॉर्मेंस, ये दोनों चीज़ें ही एक साथ इम्प्रूव होती हैं। जब परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है तो ऑटोमेटिक ये जो टाइमिंग होती है ना, ये भी इम्प्रूव होती है। सबसे पहले जो टेक्निक की मैं बात करने वाली हूँ वो है एक एक्सरसाइज, और वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के बारे में काफ़ी नॉलेज काफ़ी लोगों को है, इस पर मैंने डिटेल्स पे वीडियो भी बनाई है, अगर चाहो तो आप वो देख सकते हो। मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगी कि कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी है। कीगल एक्सरसाइज से बहुत हद तक आप अपना टाइमिंग इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि कीगल एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने प्रॉपर जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है ना, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इससे आपके जो मसल्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, जिससे आप जेकुलेशन में काफ़ी इम्प्रूव ला सकते हो और कुछ हद तक ये आप अपने कंट्रोल में ला सकते हो, और इससे डेफिनेटली टाइमिंग भी इंक्रीज होती है। अगला जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ ना, वो स्पेशली जिनको पीई की प्रॉब्लम है, इनकी प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। डेफिनेटली आप अगर एक महीने भी ट्राई करोगे ना तो आप खुद इम्प्रूव नोटिस करोगे। वो है स्क्वीजिंग एंड स्टॉप टेक्निक। ये जो टेक्निक होता है, इस टेक्निक में आप क्या करना है, जब आप परफॉर्मेंस करते हो ना, जब आप फील करते हो कि आपकी जो आपकी डिस्चार्ज होने ही वाली है, उस टाइम पे आपको उस प्रोसेस को रोक देना है एंड अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से, प्राइवेट पार्ट की जो कैप है उसको अपने हाथों से स्क्वीज कर देना है। इससे क्या होगा ना, आप खुद ब खुद देखोगे आपकी जो फीलिंग्स है, यानी कि डिस्चार्ज की जो फीलिंग्स है, वो ऑटोमेटिक कूल डाउन होने लगेगी एंड कुछ सेकंड बाद आप फिर से नॉर्मल फीलिंग्स पे, यानी नॉर्मल पोज पे आ जाओगे। ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होता है, काफ़ी जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट को जो पीई की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। टेक्निक नंबर 3 वो है फोर प्ले पे ध्यान देना। जी हाँ, जब कोई मतलब के जो कोई कपल जो है उनकी कई सालों की शादीशुदा ज़िंदगी हो जाती है ना, तो उनमें क्या होता है ना, उनकी बॉडी जो है वो यूज्ड टू हो जाती है, एक दूसरे के लिए यूज्ड टू हो जाती है, एक 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 बोर्डम आ जाती है लाइफ में, थोड़ा बोर्डनेस, थोड़ा मतलब बोरिंग सी हो जाती है हर चीज़। तो आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे आपकी जो टाइमिंग है वो कम होती रहती है। तो कुछ नया ट्राई करो, बोर्डनेस को हटाओ, कुछ नई नई टेक्निक्स, कुछ नई नई पोजीशंस ट्राई करो, जिससे आपकी जो टाइमिंग है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है। एंड लास्ट टिप जो है वो है आपका डाइट। जी हाँ, अपनी डाइट पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे मैडम ये डाइट के साथ टाइमिंग का क्या कनेक्शन है, देखिए मैंने पहले कहा कि ये जो टाइमिंग की बात होती है ये 100% कनेक्शन रखता है परफॉर्मेंस के साथ, और परफॉर्मेंस तभी आपकी इम्प्रूव होगी जब आपके बॉडी में इस तरीके की एनर्जी आप फील करोगे, एनर्जेटिक अगर रहोगे। तो एनर्जेटिक रहने के लिए डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, तला हुआ खाना, और इस तले हुए खाने से, बाहर के खाने से आपके बॉडी में ट्रांस फैट जो है वो स्टोर होती रहती है, और ये ट्रांस फैट आपके बॉडी से एनर्जेटिक को पूरी की पूरी खींच लेती है, और आप स्वस्थ रह, मतलब कि हमेशा आपको थकान सी रहती है, हमेशा आपको नींद सी आती है, मतलब कि आप बहुत जल्दी थक जाते हो। एज आपकी बहुत कम है पर फिर भी थोड़ा बहुत भागते ही थक जाते हो। रीज़न है आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट का जमा होना। तो बाहर का तला हुआ खाना, ज़्यादा ट्रांसफैट वाला खाना बिल्कुल ना खाएं। देखिए बहुत लोग हैं पता है जो दवाई का सहारा लेते हैं, पर वो कितने दिन के लिए, एक दिन, दो दिन, एक महीने, एक साल, फिर लाइफ
लॉन्ग यानी कि लॉन्गजिबिलिटी के लिए ये दवाई वगैरह कुछ काम में नहीं आती, अल्टीमेट ये आपके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ अपने डाइट का ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करिए, हेल्दी खाना खाइए। कुछ ऐसे फूड आइटम मैं आपको बता रही हूँ जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, लाइक खजूर, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है जो आपके ड्राइव को इंक्रीज़ करता है और आपके बॉडी में काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। बादाम आप खाइए, ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी अमाइनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, इसमें गुड फैट होता है जो आपके बॉडी में एक एनर्जी, अच्छा एनर्जी पास करता है। पफी सीड जो होता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ऐसे कुछ केले खाइए, केले में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है और भी बहुत सारी गुड न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें काफ़ी एनर्जी होती है जिससे आप तुरंत एनर्जेटिक फील करते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर खाना चाहिए, अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए, और मैंने बहुत सारे टेक्निक बताए हैं, उस पर काम करो, उस पर कॉन्सनट्रेट करो और आप खुद देखोगे कि आपकी टाइमिंग कैसे इंक्रीज़ होती है। कुछ भी चीज़ें इंस्टेंट नहीं होती, जैसे बॉडी में कोई भी हार्म जैसे एक दिन में नहीं होता, ठीक वैसे ही कुछ भी इम्प्रूव करना हो अगर आपको तो वो भी एक दिन में नहीं होता। बट हाँ, अगर आप ऐसे हेल्दी हैबिट को डेली ऐसे फॉलो करते हो, कुछ जो टेक्निक्स बताए हैं वो भी डेली वैसे फॉलो करते हो और ऐसे डाइट भी आप डेली वैसे फॉलो करते हो ना, तो विद इन फ्यू मंथ्स, एक दो दिन या एक महीने दो महीने या फिर तीन महीने में आप खुद देखोगे आपकी परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव हो गई है, और डेफिनेटली आपकी टाइमिंग भी आप खुद अपने हाथों से सेट कर सकते हो। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो जो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन के लिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो लेके आने की। और है वंस अगेन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर आप मेरे चैनल पर ऐसे ही हर रोज़ वीडियोज़ देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।